हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है जायका विद रजनी में। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ लसोड़े का अचार। तो कई लोग इसे लसोड़ा, लबेड़े, लसूरा बहुत नामों से बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या नाम से बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं आज आपको लसोड़े का अचार बता रही हूँ, जिसे आपको कोई बॉयल नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 1 किलो हमने लसोड़ा लिया। हमारे यहाँ पर राजस्थान में इसे लेसवे का अचार बोलते हैं। तो हम सबसे पहले हम 1 किलो लेसवा लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और देखेंगे कुछ गंदा नहीं हो। उसके बाद हम इसे पानी से धो करके कपड़े में 2 घंटे के लिए सुखाएंगे और उसके बाद इसकी टोपी निकालेंगे और हम निकाल करके एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो हमने मस्टर्ड ऑयल 1/2 किलो लिया है। तो हमने कच्ची घानी वाला मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आप कोई सा भी मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल हमने जो 1/2 किलो लिया है उसको अच्छी तरह बॉयल करके हम इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून हींग डालेंगे और हींग थोड़ा सा चटक जाए। और उसके बाद हम चटकने के बाद इसके अंदर हींग डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर जीरा डालेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारा झाग आया है, तो घबराइए मत। ये झाग इसलिए नहीं आया क्योंकि तेल कच्चा है। एक्चुअली ये कच्ची घानी का तेल है तो इसमें झाग बनता है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद ये अच्छी तरह पक जाएगा और इसमें जीरे का फ्लेवर आ जाएगा। तो हम इसको तब तक चलाएंगे तब झाग थोड़ा ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर 1 कटोरी थोड़ी सी मतलब दरदरी हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे। तो अब हम सौंफ डालेंगे और साथ ही साथ हम 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मेथी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और उसके बाद हम अपने लेस पे इसके अंदर डाल देंगे और इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि लसोड़े या लेसवे अच्छी तरह से पक ना जाए। हम आपको आगे बताएंगे कि हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारे लेसवे अच्छी तरह पके या नहीं पके। तो हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे और चलाने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दी है और साथ में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, तो करीब मैंने 1.5 चम्मच इसमें अंदर नमक डाला है। अब हम इसमें कलर डालने के लिए हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। तो मैंने इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च ऐड की है। यदि आप थोड़ा तीखा कम खाते हैं तो आप अपने अनुसार मिर्ची को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे और ताकि इसका सारा का सारा फ्लेवर लसोड़े में या लेसवे में आ सके। और इसको अच्छी तरह चलाएंगे तो करीब इसको हमने 5 मिनट तक चलाया, वो भी मंदी आँच में। और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि लसोड़े पके या नहीं पके। तो आप देख रहे होंगे कि इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो अब हम इसे चलाते रहेंगे और 5 मिनट तक इसका वेट करेंगे कि लसोड़े अच्छी तरह पके हैं या नहीं। और हमने इसको मंदी आंच में पकने के लिए रख दिया है, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम इसको चलाएंगे। तो हमारे करीब 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए एक बार हम चेक भी करते हैं कि हमारा लसोड़ा बना नहीं बना। उसके बाद हमने 2 या 3 लेसवे निकाले और इसे हाथ से चेक किया कि ये लसोड़े पके हैं। देखिए आप, इसके अंदर से गूदा अच्छी तरह से निकल रहा है, मतलब कि ये पक चुके हैं। अब हम इसे गैस बंद करके अब इसे थोड़ी देर तक चलाएंगे ताकि ये नीचे से ना जल सके। और इसको करीब 15 दिन के लिए इसको बाहर रख देंगे। तो हमारे 15 दिन में लसोड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, हमारे 15 दिन में लसोड़े तैयार हो गए और कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में बहुत